हेलो फ्रेंड्स, आज ये मोदक बना रहे हैं जो आपने बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन बिना कढ़ाई, बिना तेल और बिना मावा के बन रही है ये मिठाई, केवल दो इंग्रेडिएंट्स से। तो आप भी बनाइए, बहुत अच्छी बनने वाली है। तो ये मैंने काजू लिए एक कटोरी, आप एक कटोरी टुकड़े जो होते हैं ना काजू के, वो ले सकते हैं। ये फ्रिज में रख दी थी मैंने, मतलब कटोरी भर के काजू की, ताकि वो ठंडे हो जाएँ। आपने देखा होगा कटोरी एकदम मतलब ठंडा ठंडा था, ताकि वो अच्छे से पिसेंगे, पिसने में ऑयल जो है ना काजू का वो नहीं निकलेगा। तो ध्यान रखें, फ्रिज में ज़रूर रख दें। ये मैंने एक कटोरी चीनी डाल दी, आप चीनी को थोड़ा सा कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो काजू मैंने दो बार में किए हैं, एक बार में नहीं किए हैं। और ये जो सूखा नारियल होता महीन वाला, वो डेसिकेटेड, तो वो डाला है मैंने, तो उसको भी हमने डाल के ग्राइंड कर लिया, एकदम महीन हो गया। आप ही देख रहे होंगे, खाली पीसेंगे, खाली काजू पीसेंगे तो महीन नहीं होंगे। अगर आप चीनी डाल के और कोकोनट डाल के ग्राइंड करेंगे ना, तो वो एकदम महीन हो जाएगा। तो मैंने दो बार में किया, क्योंकि मेरा जार छोटा था। कोकोनट भी मैंने दो बार में आधा आधा कटोरी डाला। तो ये मिठाई बहुत अच्छी बनने वाली है और जल्दी बनने वाली है, और जो बाज़ार की महंगी महंगी मिठाइयाँ होती हैं उससे भी अच्छी बनने वाली है। और ये मैंने पौन कटोरी करीब मिल्क पाउडर डाला है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, अगर स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसे भी बन जाएगा। वैसे मार्केट में 10-10 रुपए के ये पाउच मिलते हैं, और ये मतलब मिल्क पाउडर डाल के आप खा सकते हो मिठाई, अगर आपका व्रत है। वैसे गणेश जी में व्रत तो नहीं होता है, पर आप जब भी खाना चाहें आप खा सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं ना कि व्रत में ये मिल्क पाउडर खा सकते हैं कि नहीं, तो इस तरीके से थोड़ी देर सेट होने के लिए रखते हैं। आप देख रहे हैं ना कितना घी निकल रहा है, उसका ऑयल निकल रहा है काजू का और उसका नारियल का। अब हमने कलर ले लिए हैं, फूड कलर, नेचुरल खाने वाले फूड कलर हैं, तो ग्रीन लिया है। और दूध के साथ इसको मिक्स कर दें, ताकि वो लिक्विड, अगर आपके पास लिक्विड हो तो लिक्विड कलर यूज करें। मेरे पास इस तरीके से सूखे थे, तो आपने दूध के साथ किया। ज़्यादा दूध न डालें, नहीं तो गीला हो जाएगा, बनाते वक्त मोदक में दिक्कत आएगी। इस तरीके से अच्छे से मैश कर लिया मैंने, तीनों को हमने तीन पोर्शन में डिवाइड कर दिया, ताकि गिनती बराबर हो। मैंने, आप देख रहे हैं, सात सात के करीब कर रखे हैं मैंने सभी को, तो आपके सात आठ जितने भी बने उस हिसाब से डिवाइड कर लें। इस तरीके से आप इसको हाथों से कर लें, सॉफ्ट है एकदम, हाथ से हो जाएगा, बनाने में बहुत आसान है। और कोई अलग से, देख रहे हैं आपने, मैंने कोई भी अलग से घी नहीं लिया, उसी का निकला हुआ इतना सारा घी है। तो हाथ से, हल्के हाथ से प्रेस करते जाएं, इस तरीके से छोटी छोटी सी बेल लें या हाथ से कर लें, आप बेल भी सकते हैं, मैंने तो हाथ से किया है। तो आपने मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिएगा, मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ, और जो जल्दी बनने वाली होती हैं, आसान होती हैं और कम सामान से होती हैं। तो इस तरीके से मैंने येलो बॉल अंदर रखी, सबसे पहले ये रेड रखी, फिर येलो रखी, फिर ग्रीन रखी। इस तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं कितनी जल्दी बनने वाला है। तो अपने गणेश जी को हमेशा नए नए मोदक नए नए स्टाइल में बना के खिलाइएगा, देखने में भी अच्छे लगेंगे और घर पे सभी लोग आराम से, खूब बच्चे तो बहुत खुश होकर खाएंगे, और अगर आप किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे तो बहुत अच्छे लगे। इसको मैंने, आप मोल्ड से कर लें, मैंने तो चम्मच से कर लिया है, फोक से, चम्मच फोक किसी से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। तो सभी को बहुत पसंद आने वाली मिठाई, सब लोग कहेंगे ये बाहर की मिठाई। अगर आपके पास इस तरीके से सिल्वर फॉइल से डेकोरेट कर देते हैं, तो देखिए एकदम मार्केट जैसी महंगी मिठाई बन रही है ना, और कम सामान से। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी, मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला है और ये बड़ा वीडियो बनाया है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, आप बना सकें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपकी कैसी बनी मिठाई। तो इस बार तो थोड़ा डिफरेंट टाइप के मोदक बनाइएगा, कलरफुल, और कितने प्यारे, आप देख रहे हैं ना कितना प्यारा कलर आया है। तो आप भी बनाइएगा, और इस मिठाई का
मज़ा लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स देखने के लिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।